हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने को मिलेगा और यह बिजनेस आप अपने घर बैठे कर सकते हैं और इस बिजनेस को स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, कम खर्च में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं एक दिन में सक्सेस हो जाओगे तो आप गलत सोच रहे हैं। एक दिन में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको काम किस तरह कर रहे हैं और इस ऑनलाइन बिजनेस को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए जान लेते हैं टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ जैसे ब्लॉगिंग, यूट्यूब एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग। नंबर 1 पर है मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास राइटिंग स्किल होना चाहिए। अगर आपको राइटिंग करना अच्छा लगता है तो आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर सकते हैं। खुद का ब्लॉग वेबसाइट बनाकर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म में आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना कर सकते हैं। दो पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं जैसे ब्लॉगर और वर्डप्रेस। इसके बाद आपको डोमेन नेम और होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। इसमें आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। अपने ब्लॉग वेबसाइट में एड्स लगाकर पैसे कमा सकते हैं। उसमें गूगल एसईओ का एड्स लगा सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू आर्टिकल लिख कर पैसे कमा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। नंबर 2 पर है यूट्यूब। यूट्यूब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यूट्यूब चैनल आप फ्री में बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो आप यूट्यूब में चैनल बना कर वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जैसे फनी वीडियो, टेक वीडियो, रिव्यू वीडियो, ऐसा जिस भी कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है उस कैटेगरी में वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन करके पैसा कमा सकते हैं। मोनेटाइजेशन 1 करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम होना चाहिए और रिव्यू से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा कोई कोर्स से लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च कर पैसे कमा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर अपने कोर्स लॉन्च करके पैसे कमाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना होता है और उसको सेल करना होता है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट को सेल किया है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा। जिस कंपनी का आपने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया है उस कंपनी में उस प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुँचाया आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग करना है और सेल करना है। बहुत से कंपनी का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऐसे। तो मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पेज बना सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग मतलब वेबसाइट बना सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट के सेल होता जाएगा, आपके कमीशन मिलता जाएगा और अर्निंग भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटली सब कुछ करना होता है। जिस तरह इंटरनेट का यूज़र बढ़ता जा रहा है उसी तरह ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग करना होता है, इसमें पैसे बहुत कमा सकते हैं। जैसे आपके क्लाइंट का कोई प्रोडक्ट है उसको आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, उसके लिए क्लाइंट आपको पैसे देगा। उस प्रोडक्ट के मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। इससे लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनते जाएंगे इसके बाद क्लाइंट से प्रोडक्ट के मार्केटिंग करने के लिए ज़्यादा पैसा का चार्ज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी खोल सकते हैं। पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, किसी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं या ऑनलाइन भी सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। फिर बात नंबर 5 पर है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है और उस स्टोर में प्रोडक्ट के लिस्ट करते जाना है। ड्रॉप शिपिंग में आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं होता है और प्रोडक्ट के पैकेजिंग नहीं करना पड़ेगा और प्रोडक्ट को कस्टमर के पास भेजना नहीं पड़ेगा। आपको ये सब काम आपके सप्लायर करेगा। ड्रॉप शिपिंग में आपको वेबसाइट बनाना होता है और प्रोडक्ट को अपने मार्जिन से लिस्ट करते जाना होता है। जब प्रोडक्ट सेल होगा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ड्रॉप शिपिंग के स्टोर आप शॉपिफाई में बना सकते हैं। इसके लिए आपको डोमेन नेम
और होस्टिंग के ज़रूरत पड़ेगा। स्टोर बनाने के लिए और अपने स्टोर वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग खुद कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।